आप जिंदगी में कितनी ऊंचाई तक जाओगे ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। दो लोग एक ही जैसी सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। एक जहां अपॉर्चुनिटीज को देखता है वहीं दूसरे को सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती हैं। और ये होता है आपके एटीट्यूड से। यहां मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं किंग एटीट्यूड की। मैं बात कर रहा हूं ईगल एटीट्यूड की। ईगल की मेंटेलिटी किंग जैसी होती है। एक विनर की सोच होती है ईगल की। मैं आपको ईगल की कुछ बातें बताऊंगा जिनको अपनाकर आप भी सक्सेसफुल बन सकते हो। जब तूफान आता है और तेज बारिश होती है तो सब बर्ड्स किसी ना किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और बारिश के खत्म होने का इंतजार करते हैं। लेकिन ईगल तेज हवा से डरकर छुपता नहीं है, बल्कि वो उस हवा को अपना सहारा बनाकर और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने लगता है और उड़ता उड़ता बादलों के भी ऊपर चला जाता है। और जब बारिश होने लगती है तो वो बादलों के ऊपर उड़ रहा होता है और उस पर बारिश का कोई असर नहीं होता। ईगल का एटीट्यूड उससे ऐसा करवाता है। उसने डरना नहीं सीखा, उसने चैलेंज से टकराना सीखा है। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनसे डरो मत, उनसे लड़ना सीखो और जीत कर दिखाओ। प्रॉब्लम्स जितनी बड़ी होगी जीत का मजा भी उतना ही ज्यादा आएगा और सक्सेस भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। ईगल कभी मरे हुए जीव नहीं खाता, वो हमेशा नया शिकार करके ही उसको खाता है। इससे ये सीख मिलती है कि अपने दिमाग से पुरानी बातों को निकालो। हर दिन एक नया दिन होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी होती है। हर दिन एक नया चैलेंज लो और अपनी जीत की तरफ बढ़ो और किसी की नकल मत करो। ईगल 5 किलोमीटर दूर से अपने शिकार को देख लेता है और उस पर से तब तक नजर नहीं हटाता जब तक उसको पकड़ नहीं लेता। अपनी लाइफ के गोल को साफ साफ देखो और उस पर पूरा फोकस लगा दो। जब तक अपने गोल को नहीं पा लेते तब तक उस पर से फोकस हटना नहीं चाहिए। ईगल कई बार ऐसे शिकार भी करता है जो उससे साइज में कई गुना बड़े होते हैं। वो डरता नहीं है, वो ये नहीं सोचता कि इतने बड़े जानवर को कैसे मार पाऊंगा। वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उस पर टूट पड़ता है और थोड़ा दिमाग लगाकर मार भी लेता है। अपने गोल्स बड़े बनाओ, ये मत सोचो कि सफलता मिलेगी या नहीं। अपने ऊपर डाउट मत करो और अपनी पूरी जान लगा दो अपने गोल्स को अचीव करने में। ईगल के गजब का शिकारी होने में उसकी मदद करते हैं उसकी तीखी चोंच, उसके मजबूत पंजे और कभी ना थकने वाले पंख। लेकिन ईगल की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब उसके पंख भारी होने लगते हैं, जिससे उसको उड़ने में दिक्कत होती है। उसकी चोंच ज्यादा मुड़ जाती है जिससे वो ठीक से खा नहीं पाता और उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं जिससे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आने के बाद भी ईगल हार नहीं मानता। वो पहाड़ पर चला जाता है और अपने भारी पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है। चट्टान पर पटक पटक कर अपने नाखून और चोंच तोड़ लेता है। ये सारा प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, लेकिन कुछ महीने बाद उसके नए पंख आ जाते हैं। चोंच और पंजे फिर से ठीक होकर तेज और नुकीले हो जाते हैं और वो फिर से किंग बन जाता है। अगर तुम्हारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं और हारा हुआ फील करने लगे हो तो याद करो ईगल का एटीट्यूड। हार मत मानो, अपने आप को बदलो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी सोच को बदलो और फिर से किंग बन जाओ। और हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।